गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं 19 की मार्केट जो कि चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। वैसे 17 की भी है लेकिन 17 में आपको किसी और दिन लेके जाएंगे जिस दिन मैं ज्यादा फ्री होऊंगा। आज मैं नहीं हूँ क्योंकि आज मुझे कहीं और पे भी जाना है, तो आज हम जाएंगे खाली 19 की मार्केट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है, ठीक है। हालांकि मेरे जेब में 1 रुपए भी नहीं है सर। ये क्या बात करता है यार जी में। तो भी हम घूमने जा रहे हैं, हम आपको वहाँ दिखाएंगे अच्छा वहाँ क्या क्या चीज है, ठीक है। तो चलो फटाफट से व्लॉग को शुरू करते हैं, ठीक है। और आप इस वीडियो में बने रहना, लास्ट तक देखना गाइस। समझ गया गाइस, लास्ट तक मजा आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो गाइस। तो यार गाइस अपा यहाँ से रोड क्रॉस कर रहे हैं, जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो आप जाके गाड़ी आ रही है, अपा एकदम मतलब खतरनाक बंदे, ठीक है। वाह यार साइकिल देखो गाइस कितनी कैंट है, एकदम एक नंबर। और ये रेड लाइट है जो आगे जा रही है, ठीक है। आ रहा हूँ गाइस। तो यहाँ से बस थोड़ी सी दूर है, मतलब क्या कैसे बताऊँ गाइस, बस थोड़ी सी दूर है बस अपा पहुँचने वाले। तो उसके बाद आएगा अपना 19 की मार्केट। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं 19 की मार्केट। तो गाइस यहीं से अपनी 19 की मार्केट जो है शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ऑटो वगैरह है जो यहाँ पैसेंजर लेके आते हैं, और सामने आपको गन्ने वाला एक मिल जाता है जो कि यहाँ जूस बनाता है। ओके तो मेरा दोस्त कहाँ गया हो, अरे मेरा दोस्त गुम हो गया गाइस। अच्छा यार वो आगे गया होगा, तो हम इधर से एंट्री बाद में करेंगे, पहले दोस्त को देखो। दिख 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 कहाँ जा रहा है ये बच्चा, ये देखो मैं इसको उधर ढूंढ रहा हूँ और ये यहाँ से एंट्री मार रहा है। तो गाइस यहाँ पे इतनी घटिया का एंट्री, और आगे जाते ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे। वाह यार एक और देखो तो यहाँ पे सारे टूट पड़ रहे एकदम खाने पे। ओए कहीं पे, ओए सुन कहीं पे जगह यहीं पे पार्क कर लो। तो गाइस जा रहे हैं, एकदम भीड़ है, एकदम नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो अभी हम चलते चलते जल्दी से आगे, यहाँ पे पार्किंग तो मिल नहीं रही गाइस, अभी यहाँ से आगे जाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो एकदम मतलब धूप वूप सब कुछ लग रही है, मजा आ रहा है एकदम नेक्स्ट लेवल। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। फाइनली हम यहाँ पे इसको कर दिया है पार्क, ठीक है। तो अब यहाँ से निकलते हैं, एंट्री मारते हैं अंदर पे। बल्ब गाइस देखो कितने सारे लग रखे हैं, वाह यार एकदम मस्त है, ठीक है। तो चल यार चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एंटर करते ही मिल जाएंगे कुछ ये वाले बैग जो कि हम अपने कैरी बैग में लेते हैं, और यहीं पे आपको सॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये गाइस 100 रुपए के 4 है सॉक्स, ठीक है, मैंने पूछ लिया था। और ये देखो एक और भीड़, तो देखो गाइस आवाज सुनो, ध्यान से आवाज सुनो एक बार। अरे वाह ये देखो गाइस छोटा बच्चा टोपी बनाया है, मूछे एकदम मस्त है यार। गाइस तो यहाँ बेल्टे भी है, वाह मिनी पंखा। और निकलते इधर से बाहर गाइस, बहुत ज्यादा घुटन सी हो रही है। और यहाँ पे देखो जो बंदे बाइक चलाते हैं उसके लिए दस्ताने भी रखे, टोपियां भी अलग अलग ब्रांड की है। और बस यहाँ से वो देखो आगे एग्जिट है, इधर से एग्जिट मारते जल्दी से। गाइस तो हम फाइनली यहाँ से जो है बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। और अब यहाँ से ये देखो यहाँ पे आ जाती है अपनी सड़क, रोड आ जाता है, ठीक है। और यहीं पे मार्केट ख़त्म नहीं होती, और हम तो अभी सीधे सीधे निकले यहाँ से। बहुत बड़ी मार्केट आ रही है यहाँ पे भी जो है खाने के लिए। वो देखो क्या लिखा है यार, वो कुछ लिखा है उधर आगे पे, पढ़ा नहीं आ रहा। तो गाइस यहाँ पे ना कुछ छोले कुलचे हैं वो मिल रहे 60 रुपए की प्लेट, सही है यार। और ये देखो एक बार, और यार यहाँ पे तो नेक्स्ट लेवल भीड़ हो रखी है। और अगर आपको मैं इधर दिखा दूँ तो यहाँ पे ये देखो कपड़े यार 350 रुपए के बच्चों के, मतलब नहीं अपने ही, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं,
और यहाँ ऊपर नंबर भी लिख रखे सबके, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लोअर मिल जाएगी आपको जो कि 250 रुपये में। वाह यार लोअर सही लग रही है मेरे को, ये वाली सही लग रही है 250 की। और यहाँ जैकेट है छोटे बच्चों की 300 कुछ रुपए की। और वो देखो कितना ये सटिया क्या है, क्या क्या चल रही है, आगे आगे भाग रही है, देखो आगे आगे भाग रहा है। तूने तो यार मेरे को छोड़ दिया पीछे, ओए फोन कर रहा है यार। गाइस तो यहाँ पे देखो जो है यहाँ पे पानी भी पी सकते हो अगर आप आओ तो, यहाँ पे पता नहीं गेट नंबर 14 है तो यहाँ पे पानी पी सकते हैं। अब इसको देखो और 200 रुपये यहाँ पे जैकेटें भी आपको मिल जाएगी, यहाँ पे सस्ती है थोड़ी, वहाँ से 500 रुपये की जैकेट। चलो गाइस तो आगे निकलते हैं। गाइस तो यार हम घुमा फिरा के वहीं पे आ चुके हैं, ठीक है। और अब यहाँ से मेरे को निकलना है वापस, तो अब निकलते हैं जल्दी से यहाँ से वापस, भूख भी लग रही है यार, तो फिर कुछ खा पी लेंगे हम। गाइस अगर किसी को प्रेशर आ रही हो तो यहाँ पे टॉयलेट भी है। ठीक है वैसे ही दिखाने चाहिए, बट अगर आ रही हो तो। और यहाँ पे देखो यार बंदे एक बार देखो। गाइस हम आ चुके हैं बाहर, ठीक है यहाँ से। और हमारी दोस्त की साइकिल भी इधर कहीं खड़ी थी, ये तो इधर पे। अरे यार यहाँ पे बंद है, घूम के जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। दोबारा दोबारा यार गोल घूम घूम के जाना पड़ रहा है। और ये देखो ये खाए हैं आपने, कमेंट में बता देना। बुड्ढी के बाल बोलते वैसे, बुड्ढी के बाल या फिर कैंडी, कॉटन कैंडी कुछ ऐसा नाम है। तो चले घर गए तो मैं बोर हो चुकी हूँ। यहाँ पर ना खाने की चीज़ें भी, एक तो इतनी महंगी है, 30 रुपये का बताओ यार, 30 रुपये कुलचा छोला। तो गाइस यार हमारे बड़ायल में ना 10 रुपए का बर्गर मिल जाता है जिससे बंदे का पेट भर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 30 रुपए कुलचा छोला, कुछ मज़ा नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ से हम चलते सीधे बड़ायल, वहीं पे खाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या खाएंगे हम, क्या खा सकते हैं, गैस करना, ठीक है गैस करना। फाइनली गाइस यहाँ से निकल चुके हैं, एंट्री मार ली हमने, मतलब एग्जिट मार लिया, एंट्री बोल रहा हूँ मैं, एग्जिट मार लिया। और यहाँ पे जो है चाकू वगैरह जो ताले वगैरह वो बनाने की चाबी, और यहाँ पे शार्प करा सकते हैं चाबी चुबी कुछ भी, मतलब तो क्या बोलते उसको, कुछ भी बोलते, तलवार बोल रहा मैं, चाकू चुकू, ठीक है। सो अब यहाँ से निकलते यार, इसका तो पता नहीं क्या दिमाग सेट हो गया पूरा यहाँ पे आगे। पहले इतने मज़े आ रहे थे कि अपा यहाँ से निकलेंगे, मतलब यहाँ पे जाएंगे वगैरह वगैरह समथिंग, पर कुछ हुआ तो है नहीं यार यहाँ पे, इसको नहीं मज़ा आया। लेकिन मेरे को एकदम मज़ा आ गया यार यहाँ पे ना, बहुत दिनों के बाद आया हूँ मैं, कम से कम साल हो गया, साल से ऊपर हो गया मेरे को, मैं आया नहीं था। अब निकलते हैं यार, थक गया फुद्दू फालतू आया मैं, क्यों कुछ नहीं था यार यहाँ पे। कोई ना अगले बार आएंगे, अगले बार मजे करेंगे पूरे, कुछ नहीं आते, आएंगे आएंगे मजे आएंगे, तू चिंता मत कर। मैं तो सोच रहा हूँ वो लोग ब्लॉग कैसे बनाते होंगे जो गांव में रहते हैं। क्या जो गांव में रहते हैं या घूमने की जगह ही नहीं होती, वो ब्लॉग कैसे बनाते हैं भाई? उनके पास क्रेंज कंटेंट वगैरह सब कुछ होता है, अपने पास नहीं है ना। हम चंडीगढ़ में हैं, चंडीगढ़ ऐसी जगह है जहाँ पे तुम कहीं जाओ तो तुम्हारे को वहाँ की परमिशन चाहिए होती है कि भाई मैं यहाँ पे जाके वीडियो बना लूँ। और गांव में सबसे सही है यार, गांव में अगर तुम जाओगे ना वहाँ पे तुम्हारा कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तुम पहाड़ों की बनाओ नदियों की बनाओ, ठीक है वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यार एक खुशखबरी है, शायद से वो खुशखबरी है, क्योंकि मेरा अगले महीने का दिसंबर का प्लान हो रखा है कि मैं अपने गाँव जाऊँगा, ठीक है। तो अभी पक्का नहीं हुआ है कि मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, क्योंकि आने जाने वाला कोई नहीं है यहाँ से। मेरा एक भाई है जो कि मिलन है उसका नाम, वो शायद से आ सकता है, उसने बोला था मुझे कि मैं आऊँगा, बट घर वालों का पक्का नहीं लग रहा मुझे। अगर मैं चला गया तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा वहाँ के, मैं आपको व्यू दिखाऊँगा मेरा गांव कैसा है और क्या है कहाँ है, ठीक है। वैसे जम्मू कश्मीर में है बट उधर से आगे भी बहुत मज़ा आएगा अगर हम चले जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि अगर मैं चला जाऊँ पीछे से तो आपको मेरी वीडियो दिख जाए अगले दिन, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा देना और लाइक भी कर देना। अभी हम चलते डायरेक्ट बड़ायल, हाँ ठीक है 45 बड़ायल, ओके।
फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपने गांव, मतलब अपने बड़ैल। गन्ने का जूस पी लेते हैं। हाँ हाँ, गन्ने का जूस पीते पीते। चलो गाइस, तो अब यहाँ से उतर जाते हैं हम। आप पीते हैं गाइस हम गन्ने का जूस, जो कि है 10 से लेके 20 रुपए के बीच में। चलो, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गाइस तो चलो अब जल्दी से जूस पी लेते। जूस के सामने आ जाता है सबसे मशहूर कॉलेज, देश समाज कॉलेज। तो यहाँ पे सारी चीजें हैं, ये कॉलेज ही है, समझ गए होंगे आप क्या क्या होता है। अब निकलते अपने घर। चल चल चल। 2000 years later। अच्छा गाइस, इधर फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मजा आया। ठीक है, मेरे दोस्त को तो मजा नहीं आया, बट पता नहीं यार मुझे मजा बहुत ज्यादा आया। ठीक है, तो हम 19 की मार्केट में घूमे भी, ठीक है, फिरे भी, मजा आ गया एकदम। ठीक है, उसके बाद हमने जूस भी पिया गन्ने का, और अब आ चुका हूँ मैं घर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो वो आप कैरी मनाटी भाई से पूछ लेना। और वो जो लाल वाला बटन है, उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जैसे भाई ने समझा दिया वैसे कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।